उपाय विभाग। मित्रों, कई बार ऐसा देखा गया है, कई लोगों के साथ ऐसा जीवन में हुआ है कि उन्हें किसी प्रकार का कार्य, कोई कार्य उन्हें नहीं करना है, फिर भी उन्हें करना पड़ता है अपनी मर्जी के विरुद्ध, अपनी इच्छा के विरुद्ध। यदि आपको कोई कार्य करना पड़ रहा है तो उसके लिए बहुत ही कारगर उपाय आज मैं आपको कहता हूँ। यह उपाय आपको हर रोज नियमित रूप से आजमाना है। प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश मंदिर जाकर जातक को, भगवान गणेश को लाल फूल, दुर्वा और थोड़ा गुड़ अर्पण करना है। उसके बाद में भगवान गणेश को धूप दीप आदि अर्पण करके भगवान गणेश की प्रदक्षिणा करनी है। भगवान गणेश की प्रदक्षिणा करने के बाद वापस अपने घर आना है। घर आने के बाद तुरंत अपने घर के मुख्य द्वार के पास एक कपूर और एक साबुत लौंग लेकर दोनों को साथ में जलाना। इसके बाद में लौंग और कपूर जलाने से जो भी भस्म बनती है उसे लेकर अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर छिड़क देना। यदि जातक नियमित रूप से इस उपाय को हर रोज दोहराता है तो उसे जीवन में कभी भी अपनी मर्जी के विरुद्ध, अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। तो दर्शकों, उपाय विभाग में आज मैंने आपको यह कारगर उपाय बताया।